अभी आप करियर पॉइंट के बॉयज हॉस्टल में रहते हैं और आप करियर पॉइंट में पढ़ाई भी करते हैं कैसा है भाई? यहाँ खाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सबसे अच्छा होता है और पानी सबसे मेन होता है। पानी मिले तो खाना पीना और शरीर बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, हमें फ्रीजर का पानी मिलता है और प्योरीफाई यूज किया जाता है। और यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई जो भी है यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सही है। और हॉस्टल से देखा जाए तो यहाँ पे और हॉस्टल में बोरिंग रोड में मैं रह चुका हूँ, उससे बहुत गुना ही अच्छा है हॉस्टल है। हमें लोग का बहुत यहाँ पे फैकल्टी और जो भी है यहाँ का अच्छा है। तो आप सेटिस्फाई हैं? यस, पूरा पूरा श्योर। हाय गौरव, वेलकम टू माय चैनल। आपका क्या राय है भाई करियर पॉइंट के साथ? देखिए सर, मेरा एक राय है ना कि जैसे इस हॉस्टल में ना रहना है ठीक है। हॉस्टल में रहने के बाद जैसे इस हॉस्टल में पहले बार मैं हॉस्टल में रहा हूँ, टेंथ तक मैंने अपनी पढ़ाई माँ बाप के साथ ही किए। मैं हॉस्टल में पहला बार आया हूँ पटना में, मैं बरबीघा से हूँ। और यहाँ पर मैं आया ना तो मेरा पहला एक्सपीरियंस यही हुआ ना कि यहाँ पर पढ़ाई के ऊपर ना दबाव अच्छा दिया जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं करियर पॉइंट बॉयज हॉस्टल का स्टूडेंट रिव्यू। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहे और देखिए बच्चे क्या बताते हैं अपने इस हॉस्टल के बारे में, क्या कुछ फैसिलिटी दी जाती है उनको, यहाँ पे कितने हैप्पी है बच्चे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी हैं J176 PC कॉलोनी कंकर बाग पटना में हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट से बॉयज हॉस्टल की दूरी 200 मीटर है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग इस हॉस्टल से जुड़े हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा है ये हॉस्टल ताकि ज़्यादा बच्चों तक। अभी हम लोग आ चुके हैं कैरियर पॉइंट के बॉयज हॉस्टल में और हम लोग जानते हैं बच्चों से कि क्या उनका राय है और कैसा उनको फैसिलिटी दी जा रही है बॉयज हॉस्टल में। तो यहाँ पे बैठे हैं एक भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पे बॉयज हॉस्टल में रहकर? जी यहाँ तो ठीक लग रहा है, यहाँ पे जो भी है फुलफिल सब कुछ ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे खाना भी ठीक से मिल रहा है, पढ़ाई भी हम लोग का हो पा रहा है। यहाँ पे हम लोग कंसर्स होकर पढ़ाई भी कर पा रहे हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, जैसे कोई डिस्टर्बेंस होती है मतलब कैसे, हालांकि कोई नहीं होती, कुछ नहीं होती यहाँ। बात करते हैं आपके प्रिपरेशन है, किसी से प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। तो क्या कुछ माहौल मिल रहा है भाई हॉस्टल का यहाँ पे? जी माहौल मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टडी के लिए मौका मिल जाता है और यहाँ पे जो मतलब कि हमारे नीचे सर लोग रहते हैं तो कभी कभी सर लोग से भी हमको मौका मिल जाता है बात करने का और सर डाउट जो होता है डाउट पूछ लिया करते हैं। तो कोऑपरेट करते हैं? जी कोऑपरेट अच्छा होता है जी। ये इंस्टीट्यूट तो ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है पटना में, ये बेस्ट है हमारे हिसाब से ये जो लग रहा है। कैसा आपका एक्सपीरियंस है भाई बॉयज हॉस्टल में रहकर? यहाँ का मतलब माहौल और सब ठीक है और यहाँ पढ़ाई भी अच्छा हो पाता है। जैसे नीचे सर आते हैं तो सर से दो टोर भी पूछ लेते हैं, ओके। और सब चीज़ यहाँ ठीक ही मिलता है। आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जेई के। जेई का? हाँ। कब एग्जाम देने वाले हैं? अभी 11th के फाउंडेशन बैच के। अच्छा अभी न्यू एडमिशन लिया? हाँ न्यू एडमिशन। कब ज्वाइन किया आप भाई? 2 महीना हो गया। 2 महीना? 2 महीना में क्या एक्सपीरियंस है आप? देखिए यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है और सब सर भी अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिंगल सीटर रूम है और भाई पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई आप अपना नाम बताइए। अमरजीत। हाय अमरजीत, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निर्भय है, मेरा यूट्यूब चैनल है करियर फिनोलॉजी। सो अभी हम लोग करियर पॉइंट के बॉयज हॉस्टल में हैं। कैसा है भाई यहाँ का एनवायरमेंट? बहुत अच्छा है, जो कोचिंग का है ऐसा हाल यहाँ पे है, यानी सारा आपको फैसिलिटी सब कुछ मिलता है। अगर आपको इच्छा है कुछ भी करने की आपको हर सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। ओके। अभी मैं बातें किया भाई से और अभी आपको मैं दिखाता हूँ करियर पॉइंट का हॉस्टल के बारे में। तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे लोग यहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह डाले हैं। यहाँ पे एक आपको बालकनी एरिया मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे लोकेशन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आकर आप हवा ले सकते हैं बाहर का और इधर भाई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग बातें करते हैं भाई से, कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ का एनवायरनमेंट? अच्छा लग रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट, मतलब फ्रेशनेस और अच्छा है यहाँ का, सब लोग मतलब बहुत अच्छे हैं और बिहेवियर भी यहाँ का ठीक है। ओके। ये सर क्या कुछ खास मिलता है आपको करियर पॉइंट में? खास मतलब यहाँ का जिस हिसाब से है इस हिसाब से मतलब परफेक्ट है यहाँ का सब चीज़। हाँ, और यहाँ पे सब चीज़ का फैसिलिटी अवेलेबल है और ठीक भी है यहाँ का। तो आप कितने सेटिस्फाई हैं यहाँ से? सेटिस्फाई है पूरा। फ़ी कैसा है भाई यहाँ पे? फैसिलिटी का हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट है फ़ी। क्या कुछ खास है भाई यहाँ का? फ्रेशनेस है, नेचर फ्रेशनेस है, बाहर देखे हवा ही मिल नहीं रहा है, सब चीज़ें पूरा फ्रेशनेस है। जैसे नहीं लगता है कि मतलब टाउन में है और ये सिटी वाला फीलिंग आ रहा है पूरा विलेज टाइप का। हाँ हाँ। यहाँ पे माहौल क्या मिलती है आपको? माहौल बहुत अच्छा है, एकदम शांत इलाका है, कोई टेंशन फ्री है। इलाका तो शांत है, बच्चे कैसे हैं? बच्चे सब बहुत अच्छे हैं।
अगर बच्चे शैतानी करते हैं तो उनको क्या पनिशमेंट मिलती है यहाँ पे? वो मेंटनर सब है, पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ऐसे कोई बच्चा शैतान नहीं करते। आपको पता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए। फैमिली पैसा दे रही है? हाँ। सो आपको वो चीज को निभाना होगा। हाँ। तो आपने बाहर है ना, शैतानी नहीं होती ना? ना। पक्का? हाँ। खुश हैं आप? बहुत। जैसे मतलब हॉस्टल के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है और पढ़ाई भी अच्छा है। मतलब कुछ आपके जो रूममेट है वो आपको कोऑपरेट करते हैं? अभी तो डिस्टर्ब कोई नहीं करता है। आपका विजन क्लियर है ना कि हाँ, मैं किस लिए आया हूँ? हम यहाँ नीट के लिए आए हैं और अपना मतलब जैसे घर से आए हैं वैसे तैयारी करते हैं अपना, क्योंकि हम लोग को फैमिली पैसे दे के भेजती है और 2 साल का ऐसे मेहनत, तो हम लोगों का विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। सो उस पर वर्क करना है और इधर उधर ज्यादा दोस्ती आ रही है, ये सब पढ़ाई के। हाँ। अभी आप लोगों ने देखा बच्चों से हमने बात किया और अभी मैं आप लोगों को और बच्चे का बाइट दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे एक पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो कि न्यू एडमिशन बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो उनके साथ पेरेंट्स आए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या उन सबसे पहले सर आपको वेलकम है मेरा चैनल पे। जी सर, यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटी दी जा रही है बच्चों के लिए? बच्चे को जो भी फैसिलिटी चाहिए सो मिल रही है। हाँ, बच्चे को पेरेंट्स कितने हैप्पी हैं बच्चे को यहाँ पे? हम खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। जी, बच्चे के ऊपर ही तो गार्जियन खुश रहता है ना। बच्चे अगर खुद दुखी रहेंगे तो गार्जियन दुखी रहेंगे। बच्चे खुश हैं यहाँ रह करके तो गार्जियन खुश हैं। आप लोगों का कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। ज्वाइन करके आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 4 तारीख को आए थे। 4 को? जी। कैसे यहाँ के मैनेजमेंट? यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ के हेड ऑफ इंचार्ज अंगद भैया हैं जो कि यहाँ पे हम लोग का काफ़ी ख्याल रखते हैं। रात को भी मतलब आए खाना के लिए। यहाँ पे 8 बजे के बाद बाहर निकलना बंद है। एक तो कि 8 बजे के बाद आप बाहर ना आ सकते हैं, या तो आप 8 बजे के अंदर ही बाहर या फिर अंदर आ सकते हैं। फूडिंग कैसी है यहाँ पे? यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है। और कुछ फैसिलिटीज़ जो आपको अच्छा लगती है? यहाँ पे ध्यान रखा जाता है बच्चों का। हाँ, केयर किया जाता है बच्चों को पूरे अच्छी तरीके से। हाँ, तो आप हैप्पी हैं? हाँ, मुझे हैप्पी है। आप किस मोटिव से पटना आए हैं? मेरा मोटिव है कि बस यहाँ पर मैं यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए आया हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत ही मतलब मेहनत करके मुझे भेजे हैं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ नीट की तैयारी करने के लिए और पढ़ने के लिए। यहाँ पर मुझे दोस्त, अब मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। ओके। मैं अभी मेरे को यहाँ पर 7 या 8 दिन हुए आए हुए, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। और रूममेट कैसे मिले हैं आपको? रूममेट मेरे बहुत अच्छे हैं सारे, मेरे 3 रूम मतलब 2 और रूममेट मेरे, एक जो अभी राहुल थे ना वो मेरा भाई है। ओके। तो हम लोग तीनों साथ में ही रहते हैं, एक रूममेट, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कैसा माहौल है करियर पॉइंट हॉस्टल का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट कैसी है यहाँ पे? मैनेजमेंट भी अच्छा है यहाँ का। कोऑपरेट करते हैं? हाँ, लोग बिहार बोल से हैं, तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम लोग का क्लास इंग्लिश का होता है। हर सैटरडे हम लोग का इंग्लिश क्लास होता है, याद 1 घंटा का टेक्निकल होता है, 1 घंटा का स्पीकिंग क्लास इंग्लिश होता है। ओके। तो उससे भी ज़्यादा हम लोग का हेल्पफुल मिलता है इंग्लिश में कि कैसे हम लोग इंग्लिश को मतलब समझेंगे, सवाल को समझे कैसा क्या करें। तो वैसे बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अभी हम लोग जब आए हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, बट यहाँ पर हम लोग का हर सैटरडे को होता है क्लास, उसमें हम लोग का क्लियर होता है इंग्लिश। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करियर पॉइंट बॉयज़ हॉस्टल की हॉस्टल इंचार्ज मिस्टर गोपाल भैया और अंगद भैया। तो भैया कैसे हैं बच्चे यहाँ पे? सब ठीक है सर। सब ठीक है मतलब कैसा, मतलब कि शैतानी भी करते हैं? नहीं, शैतानी नहीं करते। अगर शैतानी करेंगे तो क्या होगा सर? शैतानी करने का यहाँ कोई जगह नहीं है, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ नहीं रखें। सारे बच्चे यहाँ डिसिप्लिन में रहते हैं और हम लोग को भी परिवार की तरह देखते हैं वो लोग, और मेरी बात भी सुनते हैं, जो लोग हम कहते हैं उस बात को लोग फॉलो करते हैं और अच्छी ढंग से यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं बच्चों से कि बच्चे कितना खुश है गोपाल भैया से और अंगद भैया से। आप लोग कितने खुश हैं? जी एज अ गार्जियन हम लोग को ये सब रखते हैं, एज अ गार्जियन हम लोग हेल्पफुल करते हैं, जो भी होता है प्रॉब्लम ये सब क्लियर करते हैं। तो आप लोग हैप्पी है ना? एकदम, बहुत करियर पॉइंट पक्का गोपाल भैया से और अंगद भैया से। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हैं ये सबसे। चलो, ऐसा ही नहीं है कि हॉस्टल मैनेजमेंट ही लोग देखते हैं, अगर पर्सनली भी कुछ होता है तो पर्सनल प्रॉब्लम भी ये लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू।